हेलो एवरीवन दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास टेंथ चैप्टर नंबर वन सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ इसमें मैं आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपको सेमेस्टर वन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे तो डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चंस को और उनके जो भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको साथ में समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में वो आपका जो पिछला चैप्टर था सेल उससे रिलेटेड है जो कि आपकी आईसीआई रिजन की बुक में भी कुछ ब्लॉग्स दिए हुए हैं रिवीजन के तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है तो वो हमारा आंसर uh, इसका क्या हो जाएगा सेल कि सभी को पता है दैट सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और जब सेल्स मिलती हैं एक तरह की सेल्स मिलती हैं तो वो टिश्यूज़ बनाती हैं जब एक तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम मिल करके के ऑर्गेनिज़म बनाते हैं जिसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो आप पिछले क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ चुके हो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड जो सेल सेल की स्टडी है ठीक है सेल के कॉम्पोनेंट की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है तो साइटोलॉजी क्या है ये ब्रांच है बायोलॉजी की बायोलॉजी की जहाँ पे हम स्टडी करते हैं सेल और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को ठीक है तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा स्टडी ऑफ़ सेल इसका करेक्ट आंसर है आपका साइटोलॉजी जिसको हम स्टडी ऑफ सेल कहते हैं हिस्टोलॉजी अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो टिश्यू की स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है डर्मेटोलॉजी स्किन की जो स्टडी होती है हो, उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है ऑर्नीथोलॉजी जहाँ पे बर्ड की स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं तो ये सभी तीनों आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे और करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी आगे बढ़ते हैं डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा गया है तो सेल जिसने डिस्कवर करी थी पहली सेल डिस जिसने डिस्कवर करी थी उनका नाम है रॉबर्ट हुक और उन्हीं को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया है बाकी सारे हमारे गलत हैं आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एंड रॉबर्ट हुक जो थे ही वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म सेल और एक्चुअली में जो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी वो क्या थी वो वॉल थी मतलब नॉन लिविंग सेल थी अगर हम लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो वहाँ पे लिविन हुक उसका आंसर होगा ठीक है और फादर ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी कौन है आपके एंटोन वॉन लिविन हुक ठीक है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था अपने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सब्सटेंसेस विच मेक अप द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अब आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि लिविंग कंपोनेंट जो है सेल का वो किससे मिलकर के बना हुआ है जो मैक्सिमम पार्ट है उसमें वो क्या है प्रोटोप्लाज्म का तो प्रोटोप्लाज्म का आपका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है जो भी इनर कंटेंट है ठीक है बाहर वाली बाउंड्री को छोड़ करके जैसे ये सेल है ये सेल वॉल है ठीक है अब इसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला करके वो क्या कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है अगर आपको याद हो साइटोप्लाज्म ये वाला जो बाहर की तरफ का एरिया है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है जिसको न्यूक्लोप्लाज्म कहते हैं ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं तो ये किसका बना हुआ है वाटर प्रोटीन लिपिड या ऑर्गेनिक एसिड का तो सही आंसर हमारा क्या है वाटर जो मैक्सिमम पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का वो किससे बना हुआ है वाटर से बना हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव प्रोक्रियाटिक सेल्स हैव जो प्रोक्रियाटिक सेल्स हैं उनमें क्या होता है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा कि लाइसोसोम्स होते हैं तो आपको पता होगा प्रोक्रियाटिक सेल्स क्या होती हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा उसके साथ साथ उसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते हैं और अगर आपको याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गैनल है तो सेकेंड वाला ऑप्शन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके जो प्रोक्रियाटिक सेल्स हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होगा ठीक है ठीक है तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो आप के जो प्रोक्रिओटिक सेल्स होती हैं उसमें होते हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड इन द साइडो मतलब ये प्रोटिक सेल प्रोक्रिओटिक सेल है तो इसमें इस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर्स पूरे में फैले होते हैं तो ये क्या होते हैं राइबोसोम तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम्स और लास्ट जो है लाइजोसोम्स लाइजोसोम्स भी प्रोक्रिओटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल ये सारी चीज़ें हमारे जो ये होती हैं प्रोक्रिटिक सेल्स उसमें नहीं होते तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियाटिक सेल इनमें से कौन सा प्रोक्रियाटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है तो बैक्टीरिया आपको पता है प्रोक्रियोट्स होते हैं माइक्रो भी एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है अमोबा जो है ये प्रोटिसटेंस में आता है अगर आपको पिछले क्लास का याद हो किंगडम क्लासिफिकेशन तो जो प्रोटिसट होते हैं वो क्या होते हैं वो अमोबा की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो जो आपका अमोबा हो जाएगा ये किस में आएगा प्रोटेस्टा में आएगा और अगर आपको याद हो किंगडम प्रोटेस्टा में जो आ, ये होते हैं अमोबा जो एग्जांपल इसमें आएगा ये यूनीसेल और यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम होते हैं प्रोक्रियाटिक नहीं होते इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे यूगलिना एंड पैरामीशियम तो ये किस कैटेगरी में आते हैं ये प्रोटेस्टा की कैटेगरी में आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोबा ठीक है नेक्स्ट आते हैं डैश और फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स क्या ऐसी चीज़ें जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है तो सेल वॉल भी आपको पता है प्लांट सेल में भी प्लांट uh, सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती है प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में होते हैं एनिमल सेल में नहीं होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी क्या है प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल है अगर आपको याद हो तो प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं क्लोरो क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास तो उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हु ऑब्जर्व द सेल वॉल सेल वॉल किसने देखी थी तो उसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक क्योंकि जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी वो एक्चुअली में सेल वॉल थी जो उन्होंने कॉर्क में ऐसे हनी कॉम्प्लाइक स्ट्रक्चर देखे थे तो ये क्या थे ये सेल वॉल थे ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं द फाइव द फर्स्ट लिविंग सेल पहली लिविंग सेल लिवेन हुक ने डिस्कवर करी थी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पहला लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई लिवन हुक क्वेश्चन नंबर टेन है मोस्टली प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है फिर आ जाते हैं हम अपने एलेवंथ क्वेश्चन पे दैट इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन तो आपको पता है कि सेल वॉल क्या है वो परमीएबल है वो सारी चीज़ों को अलाउ करती है तो सेल वॉल तो उसका आंसर नहीं होगा फिर है मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम्स तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है ठीक है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम्स तो ये ऑप्शन ही गलत है क्योंकि आपको पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स हैं ठीक है राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया नन ऑफ दीज भी नहीं होगा तो सही आंसर क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ डैश इज़ एबल टू डिज़ोल्व एड डिस्ट्रॉय द सेल वो कौन है जो सेल को डिस्ट्रॉय और डिजोल्व कर सकता है सो दैट इज लाइजोसोम्स आपको पता है लाइजोसोम्स क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं जिनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि ये सेल्स को डिस्ट्रॉय और डिज़ोल्व कर सकते हैं तो इतना था आपका पिछला रिवीजन से अब हम नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे Uh, और सेल डिवीज़न और जो सेल साइकिल है उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सो द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज हाफ मतलब वो uh, ऐसा डिवीज़न जहाँ पे जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो तो वो कौन सा डिवीज़न है जिसमें जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं दिस काइंड ऑफ सेल डिवीज़न अकर इन तो पहले तो आप ये समझिए कि वो डिवीज़न कौन सा है तो वो मियोसिस है अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो होता कहाँ है तो इट अकर ओनली इन टेस्टिस नो ओनली इन ओवरी नो आपका आंसर क्या होगा ओवरी एंड टेस्टीज बोथ जो गोनेट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उन्हीं में से तो गैमेज बनते हैं तो जो गैमेज होते हैं वो क्या होते हैं म्योसिस से बनते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हाफ हो जाते हैं तो सही आंसर है आपका बोथ ओवरी एंड टेस्टिस ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है विच अमंग फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज़ कौन सा है आपके पास चार ऑप्शन हैं सबसे पहला इंटरफेज़ एनाफेज़ मेटाफेज एंड नन ऑफ द अबव और आपको पता है कि जो सबसे लंबा फेज़ होता है वो क्या होता है दैट इज़ द इंटरफेज़ जिसमें जो बाकी के तीनों फेजेज़ होते हैं ग्रोथ फ़ेज़ वन ग्रोथ फ़ेज़ टू एंड सिंथिस फेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ मूव करते हैं द क्रोमैटिन मटेरियल फ़ाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ जो न्यूक्लियस uh, के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है वो किसका बना हुआ होता है डीएनए का डीएनए स्टोन का हिस्टोन्स का या फिर न्यूक्लोटाइड का तो आप सभी को उसका आंसर पता है डी एन एंड हिस्सोन का बना हुआ होता है जो क्रोमेटिन मटीरियल हमारा होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग साइटोकाइनिस द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड बाई द फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द इक्विटोरियल रीजन ठीक है पेरेंट प्लान्ट सेल यहाँ पर होगा यहाँ पे मिस हो गया है पेरेंट प्लान्ट ठीक है uh, मतलब काइन साइटोकाइनिस के वक्त जो साइटो प्लाज्म है पेरेंट प्लान्ट पेरेंट प्लान्ट सेल का वो डिवाइड होता है बाई द फॉर्मेशन ऑफ वॉट मतलब यहाँ पे डैश है इक्विटोरियल रीजन में तो सेल प्लेट फरो ग्रूव्स या फिर नन ऑफ द अबव तो उसका आंसर है सेल प्लेट अगर आपको याद हो कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंटर से सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और वो जो सेल होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तरफ मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज बाई गोनैंड टू प्रोड्यूस गैमिट गैमीट्स जो बनते हैं आप सभी को पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारे वो गोनेट्स हैं उनमें जो गैमिट्स बनते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं म्योसिस के जरिए बनते हैं आपको पता है माइटोसिस नहीं होगा दोनों नहीं होगा स्पोर स्पोरोगोनी नहीं होगा जहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है नहीं इसका सही आंसर है म्योसिस जिसको हम रिडक्शनल डिविजन या फिर मीओटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ जो सिंथसिस uh, फेज uh, है सेल साइकिल में उसको सिंथेसिस फेज क्यों कहा जाता है मतलब उसको ऐसा क्यों कहा जाता है किस चीज़ का वहाँ पर सिंथेसिस होता है आरएनए का आरएनए प्रोटीन का डीएनए का या फिर ग्लूकोज का तो अब जो सिंथेसिस फेज़ है आपको पता है कि एस फेज जो होता है वहाँ पे सिंथेसिस होता है आपका डीएनए का तो सही आंसर हो जाएगा इसमें डीएनए आगे बढ़ते हैं द सेंट्रोमेयर स्प्लिट ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस की कौन सी स्टेज में जो सेंट्रोमेयर है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा सेंट्रोसोम एक अलग चीज़ है सेंट्रोमेयर क्या होते हैं जो क्रोमोसोम जिससे अटैच्ड है तो सेंट्रोमेयर जिस स्टेज में डिवाइड होता है उस स्टेज को क्या कहते हैं ठीक है ठीके? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रोफेज़ प्रोफेज़ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि प्रोफेज़ में ये क्रोमोसोम्स तो अभी कंडेंस होके आ, वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है कि सेंट्रियऑल डिवाइड हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है ठीक है डिसअपेयर होते हैं तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं होते हैं सेंट्रोमेयर आपके किस फेज़ में डिवाइड होते हैं एनाफेज़ में डिवाइड होते हैं ठीक है टेलो फेज में नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है टेलो फेज में जो आ, क्रो ये होते हैं आपके क्रोमोसोम वो अनकोइल्ड होने लगते हैं तो सही आंसर है इसका एना फेज जब एना फेज में अगर आपको याद हो तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग ऊपर ऊपर मूव होने लगते हैं क्योंकि जो सेंट्रोमेयर होता है हर क्रोमोसोम का वो डिवाइड हो जाता है और ये दोनों पोल्स की तरफ चलना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट आता है क्वेश्चन द लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पैन मतलब जो ड्यूरेशन है कितने लंबे समय तक के वो जिंदा रहती हैं तो उनका लाइफ स्पैन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला ऑप्शन है आपका फाइव टू सिक्स डेज़ ठीक है फिर है थ्री टू फाइव डेज देन थर्टीन डेज ट्वेल्व आवर्स तो ये आपको ड्रिकली याद करना है इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या है थ्री टू फाइव डेज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्लेस द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस ये गलत हो गया है ऑफ़ माइटोसिस इन करेक्ट ऑर्डर तो माइटोसिस की आपको स्टेजेस पता है सबसे पहले क्या आता है प्रोफेस फिर उसके बाद आता है मेटाफेज फिर आता है एनाफेज फिर आता है टेलोफेज तो ये नंबर दिए हुए हैं आप इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा प्रोफेज़ यानी कि फोर आएगा फिर आएगा मेटा यानी कि वन फिर आएगा एना यानी कि थ्री फिर आएगा टेलो तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये सही है इसको आप आराम से ध्यान से देखिए और समझिए नंबर्स आपको अरेंज करना है यहाँ पे ठीक है तो सबको ऑर्डर में लेके आना है तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं माइटोसिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में इसमें क्या चीज़ें नहीं होती हैं तो रिपेयर ऑफ वुंड आपने चैप्टर अगर अच्छे से समझा है तो आपने माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में देखा होगा ग्रोथ रिप्लेसमेंट साइज ठीक है रिपेयर इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिप्रोडक्शन किस में होता है माइटोसिस में माइटोसिस uh, के जरिए रिप्रोडक्शन यूनी ऑर्गेनिज्म में होता है तो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन भी ठीक है डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट uh, uh, ये एग्ज़ाम्पल है एग्जाम्पल बेबी इन मदर वम्प ठीक है तो ला ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है माइटोसिस में होता है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गैमिट स्पम और ओवम का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला दैट इज़ द प्रोडक्शन ये सारे हमारे आंसर्स क्या हैं ये माइटोसिस में होते हैं क्या नहीं होता है क्वेश्चन क्यों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन क्यों में लिखा है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री पे मूव करते हैं ड्यूरिंग विच स्टेज़ ऑफ म्योसिस डू द सिस्टर क्रोमैटन बिगिन टू मूव टूवर्ड द पोल मतलब म्योसिस की यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले ध्यान में रखिए कि म्योसिस की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि म्योसिस की कौन सी स्टेज में सिस्टर क्रोमैटन जो हैं वो पोल के तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मियासिस की कौन सी स्टेट में जो सिस्टर क्रोमैट्स हैं वो पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिस्टर क्रोमाटड्स आपसे पूछा गया तो अगर आपको क्रोमोसोम का डायग्राम याद हो तो ये जो इसके दोनों आर्म्स हैं एक क्रोमोसोम के इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होते हैं जैसे ये वाले की आम इसके लिए क्या है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि सिस्टर क्रोमाटि पोल की तरफ मूव करने लगते हैं तो ये आपका होता है मियोसिस वन में कहाँ होगा एनाफेज़ वन में आ, अगर आपको डायग्राम याद हो तो एनाफेज़ में क्या होता है कि अब जो होमोलॉगस पेयर हैं क्रोमोसोम के वो पूरे मतलब डिवाइड नहीं होते हैं यहाँ पे पूरे पूरे क्रोमोसोम्स जो होते हैं चार के में वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो ये क्या है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ठीक है ये अपने प्रॉपर इस तरह से फ़ोर आर्म्स के साथ पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये आपका आएगा एनाफेज़ वन में आगे बढ़ते हैं द स्टेज ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग विच द न्यूक्लियर एनवेलप पिगेन टू डिसअपियर ठीक है म्योसिस की वो स्टेज जहाँ पर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाएगा तो आपको पता है डिसअपेयरिंग किस में होती है टेलोफेज में होती है चाहे वो टेलोफेज फेज़ वन हो या टेलोफेज़ टू हो uh, सॉरी सॉरी बिगेन टू डिसअपेयर लिखा है मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर होगा तो जो टेलो फेज होता है उसमें तो आपका न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आने लगता है ठीक है मैंने उल्टा बता दिया तो कहाँ पे डिसअपेयर होता है मतलब हटने लगता है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है तो अगर आपको फेजेस याद हों तो जो पहला फेज़ है दैट इज़ द प्रो फेज़ वन वहाँ पे क्या होता है हटता है और ये जो टेलो फेज है यहाँ पे वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगती है ठीक है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं हु डिस्क्राइब द सेल डिवीजन इन प्लांट प्लांट में सेल डिवीजन किसने डिस्क्राइब किया था तो आपको याद होगा इसका आंसर है स्ट्रैट्स बर्गर ठीक है स्ट्रैट्स बर्गर ने प्लांट में सेल डिवीज़न डिस्क्राइब किया नेक्स्ट आते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज माइटोटिक सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन या फिर सुमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं इसमें से ये भी आंसर हमारा सही है लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुमेटिक भी लिखा हुआ है तो हम इन तीनों को इन इसको तो प्रेफरेंस देंगे नहीं और ये दोनों हमारे गलत हैं तो सही आंसर है फोर्थ वाला इक्वेशनल सेल डिवीज़न एंड सुमेटिक सेल डिवीज़न आगे बात बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल तो वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो बारह घंटे से बारह दिन होता है ठीक है सो दिस यू हैव टू लर्न आगे आते हैं इन केस ऑफ एनिमल द स्टेज ऑफ साइटोकाइनिस अकर ड्यूरिंग तो साइटोकाइनिस कब होता है फेज में होता है आपको पता है लास्ट वाली जो स्टेज है फेज इसमें ऐसा खाचा बनता है और ये सेल जो होती हैं अलग हो जाती हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्रोमोसोम इज़ ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या हैं ये कलर्ड बॉडी हैं क्योंकि ये आसानी से स्टेन ले लेती हैं तो हम इनको कलर्ड बॉडीज़ कहते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड चैस्मा फॉर्मेशन अगर ड्यूरिंग यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस वन मियोसिस वन की अगर हम बात करें तो मियोसिस वन की कौन सी स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर है और चयासमा फॉर्मेशन है ये हो रहा होता है तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रोफेज़ वन ठीक है प्रोफेज़ टू एनाफ़ेज़ वन या फिर मेटाफ़ेज़ वन तो अगर आ, आपको याद होगा तो मे म्योसिस टू से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि म्योसिस टू हमने पढ़ा था कि म्योसिस टू माइटोटिक डिवीजन के जैसा होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कोई लेना देना नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया अब हमारे पास बचा प्रो फेज़ एनाफेज़ और मेटाफेज़ तो आपको पता है म्योसिस वन के प्रोफेज़ में क्या है कि जो क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड वो आते हैं एंड होमोलॉगस पेयर फॉर्म करते हैं और यहीं पे आपका क्या होता है क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो सारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो प्रोफेज़ वन में हो रहा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोफेज फेज़ वन अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं तो प्रोफेज फेज़ वन की बात आता है मेटाफेज़ तो मेटाफेज़ में ये जो होमोलॉगस पेयर हैं ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं ठीक है मेटाफेज़ वन में जो बाइवेलेंट्स हैं मतलब दो दो के ग्रुप सेंटर में अरेंज हो जाते हैं ठीक है और स्पिंडल्स जो हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं एनाफेज़ में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और साइटोकनिस स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो या इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेज वन इसका सही आंसर है प्रोफेज वन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं टिलोफेज इज ऑफ एन ऑफ एबसेंट इज ठीक है टिलोफेन इज़ ऑफन एबसेंट इन तो टिलोफेज जो है वो माइटोसिस में हमेशा होता है याद रखिएगा तो माइटोसिस इसका आंसर नहीं है बोध भी नहीं है नन भी नहीं है सिंपल सा आंसर क्या है मीओसिस म्योसिस में कभी कभी जो टिलोफेज़ है वो एबसेंट होता है क्योंकि इसमें साइटोगाइनोसिस एनाफेज से ही शुरू हो जाता है सो समटाइम्स इट इज़ एब्सेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट विच स्टेट ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स अज्यूम वी जे एल शेप कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जिसमें क्रोमोसोम ये वाला शेप ले लेते हैं कि वी जे एल के जैसे लगते हैं तो सिंपल सा आंसर है एनाफेज क्योंकि uh, मेटाफेज में क्या होता है मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं एनाफेज़ में ऊपर पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो जब वो पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो कहीं पे वो वी शेप बनाते हैं कहीं पे वो जे शेप बनाते हैं कहीं पे वो एल शेप लगते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा एनाफेज़ आप अपनी बुक में डायग्राम से भी देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी आगे बढ़ते हैं एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर ठीक है क्वेश्चन को समझिएगा कि म्योसिस uh, के कौन से फेस में कौन से फेस में जो स्पिंडल फ़ाइबर्स हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं ठीक है तो इसका ऑप्शनस हैं टेलोफेज मेटाफेज टेलोफेज वन टेलोफेज टू नन ऑफ द अबव तो इसका जो आंसर होगा आपका सबसे पहले तो हमें पता है कि टिलोफेज़ में होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि टिलोफेज़ वन ने ही लिखा है तो उसका मतलब ये माइटोसिस का फेज़ है और हम बात कर रहे हैं मियोसिस की तो टिलोफेज़ नहीं होगा मेटाफेज़ भी नहीं होगा क्योंकि ना इसमें वन है ना टू है और यूँ भी मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है वो ख़त्म नहीं होते हैं डिसअपियर नहीं होते हैं तो इसका आंसर है टिलोफेज़ वन एंड टिलोफेज टू क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं अब वो अनकोल्ड हो रहे हैं तो स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है वो गायब हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आने लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वीडियो को एंड तक के देखेगा कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डैश फेज इज़ मार्क बाय द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पेंडर मतलब सेंटर में कौन सा वो फेस है यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही है obviously. पे सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं तो प्रो नहीं मेटा एना फेस टेलो ठीक है तो इनमें से क्या हो जाएगा हम अभी कई बार बोल चुके हैं कि मेटाफेस में क्या होता है सारे क्रोमोसोम सेंटर में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन है थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग विच स्टेज तो यही है सेंट्रोसोम जो स्टार लाइक शेप होता है और वो डिवाइड हो जाता है दो सेंट्रो सेंट्रियाल uh, में तो ये किस में होता है तीनों में से किसी में नहीं सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेस जहाँ पे सेंट्रोसोम आपका डिवाइड हो जाता है दो सिस्टर सेंट्रियाल्स में और इन्हीं से ही एस्ट्रल्स रे बनती हैं जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं क्रोमोसोम अनकोइल एंड फ्रॉम क्रोमैटिन नेट ड्यूरिंग विच स्टेट मतलब क्रोमोसोम वापस से खुलते हैं और वैसे ही नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये किस किस स्टेज में होता है सबको पता है ये किस में होता है टेलोफेज में होता है टेलोफेज में क्रोमोसोम वापस से खुलते हैं और नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं द नॉन डिवाइडिंग फेज इज ऑल्सो नोन एज जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है उसको और क्या कहते हैं तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि आपको पता है एनाफेज माइटोसिस में आता है ग्रोथ फेज़ और सिंथेसिस फेज़ ये क्या है आपके इंटरफेज़ का एक पार्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नॉन डिवाइडिंग फ़ेस किसको कहते हैं तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो जहाँ पर इंटरफेस लिखा था वहीं पे ही ब्रैकेट में लिखा था द नॉन डिवाइडिंग फेस हालांकि ग्रोथ फेस और सिंथेसिस फेस उसी के ही पार्ट हैं लेकिन हम उस फेस को इंटरफेस कहते हैं इसीलिए इसका आंसर क्या होगा इंटरफेस कैरियोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ सबको क्लियर है कि कैरियोकाइनेसिस क्या है न्यूक्लियस का डिवीजन है साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है डीएनए और इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है तो सही आंसर है आपका न्यूक्लियस नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आकर ड्यूरिंग विच फेज मतलब कहाँ पे डी एन रेप्लीकेट होता है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथिस कंप्लीट होता है तो आंसर है आपका फेज जी वन और जी टू फेज में ग्रोथ फेज है ये फर्स्ट एक्टिव ग्रोथ फेज और जी टू फेज आपका सेकेंड ग्रोथ फेज है तो वहाँ पर डी एन ए सिंथेसिस और प्रोटीन का कोई मतलब नहीं है डैश टाइप ऑफ डिविजन इंट्रोड्यूस द वेरिएशन इन पॉपुलेशन तो आपको पता है जिससे गैमिट्स बनेंगे जिस डिवीजन से उसी से ही वेरिएशन आएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मियोसिस माइटोटिक सेल डिवीजन से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन को ही माइटोसिस कहते हैं और मियोसिस को कहते हैं मियोटिक सेल डिवीजन ठीक है division, ये मैंने जो वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर वन की उसमें आ, बुक का जो कंटेंट है उसमें ये सारी चीज़ें मैंशन है सो दैट्स ऑल हमने फोर्टी क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन के डिस्कस करे हैं आगे के भी जो चैप्टर्स हैं उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया है या कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे